मार्केट में SUVs तो कई सारी हैं, लेकिन सबको किसी ना किसी दायरे में रहकर बनाया जाता है। कोई छोटी है, किसी में फीचर्स कम, तो किसी के स्पेस में कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन Hyundai Tucson को देख के लगता नहीं कि इस पे कोई भी पाबंदियां थी। एक स्टाइलिश SUV जिसमें स्पेस, क्वालिटी और फीचर्स भरपूर हैं। लेकिन क्या इसकी भी कोई छुपी खामियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए? चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं इस रिव्यू में। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि इसका डिजाइन थोड़ा ओवर द टॉप, ओवर डन लगता है। लेकिन जब आप इसको अपने सामने देखेंगे तो इसके बड़े साइज की वजह से ये वाकई काफी स्टाइलिश लगती है। साइज में Tucson सिर्फ पुरानी जनरेशन से ही नहीं बल्कि जीप कंपस से भी बड़ी है, और ये इस गाड़ी का लॉन्ग व्हील बेस मॉडल है, तो इसकी प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। और फिर इसकी जो डिजाइन है उसमें कई सारी डिटेल है जो आपका दिल जीत जाएंगी। डिजाइन की सबसे अहम डिटेल है वो LED DRLs। अभी वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि वो छुपे हुए हैं उस डार्क क्रोम ग्रिल में, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी ऑन होती है वो उभर के आते हैं, और ये इतने ब्राइट हैं कि दिन में भी आराम से दिखते हैं। साइड से गाड़ी वाकई ही काफी स्पोर्टी लगती है। आपको जो इसका स्टैंड है वो आगे की तरफ झुका हुआ मिलता है, खूब सारी शार्प बॉडी लाइंस हैं, और फिर ये एंगुलर व्हील आर्चेस वाकई इसकी अपील को बढ़ा देते हैं। और इस लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिलते हैं 18-inch के अलॉय व्हील्स और बड़ी सटल सी सैटिन क्रोम डिटेल्स। डिजाइन की जो शार्पनेस है वो रियर में भी कैरी होती है इन शार्प टेल लैंप्स की वजह से। ये कनेक्टेड है, फैंग्स नीचे आते हैं, और इसमें वो ग्लिटरी वाला प्रीमियम टच भी है। जो ब्रेक लाइट्स भी है उनको भी बड़ा खूबसूरती से यहाँ नीचे इंटीग्रेट किया गया है। और बाकी एलिमेंट्स जैसे कि ये Hyundai का फ्लक्स सेटिंग लोगो और वो वाइपर जिसको बड़ी नज़ाकत से यहाँ स्पॉइलर के नीचे इंटीग्रेट किया गया है। अब इन सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को मिला के इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल भी वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। ओवरऑल ये Tucson सिर्फ एक SUV नहीं, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। ये बड़ी है, इसकी रोड प्रेजेंस डोमिनेटिंग है, और आपके गैराज में वाकई काफ़ी स्टाइलिश लगेगी। बूट स्पेस आपको मिलती है 500 लीटर से भी ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि आपके वीकेंड का सारा लगेज इस गाड़ी में बड़े आराम से आ जाएगा। और क्योंकि ये लोडिंग लिप भी ज़्यादा हाई नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इसमें सामान भरना भी आसान है। प्लस ये जो सीट है ये फोल्ड होकर फ्लैट हो जाती है, उसको फोल्ड करने के लिए मेहनत भी नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली ये लीवर पुल करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर बैठ के इसकी सिंप्लिसिटी और क्वालिटी आपका दिल जीत जाती है। अब इस चाबी को ही ले लीजिए, ये बाकी Hyundai की गाड़ियों से अलग है और काफ़ी प्रीमियम लगती है। अब आते हैं इसके लेआउट पे जो वाकई काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। ये बिल्कुल क्लीन है और आपको एक रैप अराउंड डैशबोर्ड मिल जाता है, जैसे लगता है कि आप एक कॉकपिट में बैठे हैं। और ये जो स्क्रीन्स हैं उनको भी आपके आई लेवल के नीचे रखा गया है, तो डैशबोर्ड का जो व्यू है बाहर का वो बिल्कुल क्लियर है। क्वालिटी की मैं बात करूं तो आपको ऊपर ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स मिल जाते हैं। जो विंडो सिल है इसके ऊपर भी आपको एक सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, और फिर ये स्टेयरिंग व्हील का लेदर, ये सब मिलके इसका एक एक्सपीरियंस बड़ा ही प्रीमियम बना देते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो इस कैबिन के एम्बियंस को और भी इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि ये स्टॉक्स का डिज़ाइन और क्वालिटी, स्टेयरिंग व्हील वाले बटन्स की क्वालिटी, और सीट्स पे जो मेटालिक ट्रिम लगा है वो। फीचर्स के मामले में यहाँ पे कोई भी कटौती नहीं करी गई है। शुरुआत करते हैं इन सीट्स के साथ, तो जो ड्राइवर सीट है ये 10-way पावर एडजस्टेबल है। इसमें आपको वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद इस पे दो मेमोरी सेटिंग्स भी दी गई हैं। फिर आता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 10.25 inch का है, और इसमें खूब सारी आपको थीम्स मिल जाती हैं, लेआउट, ब्लाइंड्स और मॉनिटर वो सब मिल जाता है। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इस सेंटर पैनल की, तो ये पूरा एक टच पैनल है। ऊपर आपको इंफोटेनमेंट यूनिट मिल जाता है, नीचे आपके पास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के टच पैनल हैं। अब गाड़ी चलाते हुए फिजिकल कंट्रोल ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी में रेगुलर AC वेंट्स तो हैं, इसके अलावा डिफ्यूज़र वेंट्स भी हैं जिनको बड़े ही अच्छी तरीके से, बड़ा ही नीटली यहाँ डैशबोर्ड में छुपाया गया है। बात करते हैं इंफोटेनमेंट की, तो ये भी एक 10.25 inch का स्क्रीन है। इसके ऊपर भी हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाईलाइट है इसका 8-speaker का साउंड सिस्टम जो कि बोस का है, और इसके वॉइस कमांड्स जिनकी मदद से आप सनरूफ को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन सनरूफ, ओपनिंग द सनरूफ।
सेफ्टी पे भी अच्छा ध्यान दिया गया है और टूसों को मिलते हैं 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एक फुल एडास सिस्टम जो कि बड़े अच्छे से काम करता है। कैबिन प्रैक्टिकलिटी भी यहाँ पे शानदार है। आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है तो फोन रखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके साइड में चाबी के लिए जगह है, 2 बड़े कप होल्डर्स और एक बड़ा आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट स्टोरेज भी दिया गया है। अब ये जो टूसा है ये है लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, इस वजह से जो रियर सीट है उस पर काफी फोकस किया गया है। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो खूब सारा मेरे पास लेग रूम है, मैं पैरों को फैला के यहाँ पे बैठ सकता हूँ। नी रूम की कोई कमी नहीं और एक स्पोर्टी रूफ लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पे मुझे हेडरूम की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट की है या उससे भी थोड़ी ज्यादा है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। इस सीट को और बॉस सीट वाला फील देने के लिए Hyundai ने ये बॉस मोड भी दिया है, तो आप यहीं से बैठ के अपने पैसेंजर सीट को आगे पुश कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं, एक प्रॉपर बॉस सीट वाला फील लेने के लिए। उसके बाद इस रियर सीट को रिक्लाइन करें और ये गाड़ी वाकई काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। अब एक बॉस सीट के लिए फीचर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे पीछे बैठ के आप इस पैनोरामिक सनरूफ का लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आर्मरेस्ट है खुद का विद कप होल्डर्स, पीछे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं और 2 चार्जिंग ऑप्शंस भी दिए गए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, वो है सन ब्लाइंड्स की। अब Hyundai की जो छोटी SUVs हैं जैसे कि क्रेटा और उससे बड़ी अल्काज़ार, उसमें सन ब्लाइंड्स आते हैं, तो वे टूसा में क्यों नहीं दिए? और अगर Hyundai एक फोन होल्डर और चार्जिंग के लिए USB के अलावा टाइप सी पोर्ट्स भी दे देता तो ये बॉस सीट एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता। टूसा के इंजन ऑप्शंस बड़े सिंपल हैं। एक 2 लीटर पेट्रोल जो कि बनाता है 156 हॉर्स पावर और एक 2 लीटर डीजल जो बनाता है 186 हॉर्स पावर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस, क्योंकि यहां पे आपको मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। पेट्रोल के साथ आपको मिलता है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक और डीजल के साथ आपको मिलता है एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक। अगर हमारा पिक देखें इन दोनों में से तो वो डेफिनेटली डीजल है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा एफर्टलेस है और आपको खूब सारा टॉर्क मिल जाता है गाड़ी चलाते हुए। तो ट्रैफिक में अगर कोई क्विक ओवरटेक करना है, आपको थोड़ा जल्दी कहीं जाना है और क्रूजिंग भी करनी है, तो इसमें ज़्यादा एफर्टलेस फील होती है। हाँ, जो पेट्रोल इंजन है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी काफ़ी रिफाइंड है और चलाने में उसका एक्सेलरेशन भी बिल्कुल लीनियर है, लेकिन वो इतना फुर्तीला फील नहीं होता। जो पेट्रोल का 6 स्पीड ऑटोमेटिक है वो तो हमने अल्काज़ार में भी एक्सपीरियंस किया था और काफ़ी बेसिक ट्रांसमिशन है, शिफ्टिंग उसकी स्मूथ है, हल्का स्लो लगता है वो डाउनशिफ्ट करते हुए कभी कभी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी स्मूथ ड्राइव देता है। जो 8 स्पीड आया है डीजल के साथ ये बड़ा इंप्रेसिव है, ये क्विक है डाउनशिफ्ट करने में और जब भी आप चाहते हैं कि गियर चेंज करें, आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, जो भी चाहिए, ये 1 गियर 2 गियर आराम से फटाफट डाउन करता है और आपको वो एक्सेलरेशन देता है। हालांकि कमी या थोड़ी फील होती है पैडल शिफ्टर्स की, दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। हाँ, ऑफकोर्स आप गियर शिफ्टर को शिफ्ट करके मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यार वो पैडल शिफ्टर्स वाली बात थोड़ी अलग ही है। बस एक छोटी सी दिक्कत हमें ये महसूस हुई कि यू टर्न लेते हुए इस गाड़ी का जो टर्निंग सर्कल है वो थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप क्राउडेड सिटी में हैं और थोड़े ट्रैफिक में टर्न ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक और चीज़ जो हमें इसकी ड्राइव में इम्प्रेसिव लगी वो थी इसकी राइड क्वालिटी। सिटी के अंदर के जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं ऐसे ये भी ये अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है और सस्पेंशन ओवरऑल थोड़ा एक सॉफ्टर सेटिंग पे है आपको आराम देने के लिए। हाँ, बड़े गड्ढों पे जाते हुए थोड़ा आपको एक थर्ड का साउंड तो आता है, लेकिन वो कैबिन में बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल आपको फील नहीं होते हैं। और जो स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की, स्पेशली हाईवे पे भी, जैसे कोई गड्ढा चला जाता है, कोई लेवल चेंज आता है, गाड़ी एकदम से वापस सीधी बैठ जाती है और बहुत स्टेबल रहती है। तो भले आपको सिटी में टूटी फूटी सड़कों पे जाना हो या फिर आपको हाईवे पे क्रूजिंग करनी हो, दोनों जगह ही इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको सूट करेगा। लेकिन अगर आपको रास्ते ही नहीं चाहिए, आपको रास्तों से उतर के कहीं जाना है, तो फिर आपको डीजल ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है H-Track जिसको कहते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल के साथ ही मिलेगा और उसके अंदर आपको ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं जो कि हैं स्नो, मड और सैंड, और जो ड्राइव मोड्स हैं जो कि हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्मार्ट, वो आपको दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ मिलेंगे। हम आज निकले थे Hyundai Tucson की छुपी हुई खामियों को ढूंढने, लेकिन
जितनी गहराई में हमने इसको जाना उतनी ज्यादा ये गाड़ी हमें पसंद आने लगी। दिखती अच्छी है, कैबिन प्रीमियम है और फीचर्स और स्पेस में भी कोई कमी नहीं। इनफैक्ट ये चलाने में भी इम्प्रेसिव है। हाँ, इसमें छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन वो इसका एक्सपीरियंस खराब नहीं करती और उनको आप आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन टूसों को घर लाने के लिए आपको अपनी जेब बहुत ढीली करनी पड़ेगी। अब ये कह सकते हैं कि इसका लोकल असेंबली नहीं बल्कि एक नॉकडाउन किट होना ही इसकी एक खामी बन जाती है। तो अगर आप अपने परिवार के लिए एक प्रीमियम एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो टूसों एक दमदार दावेदार है।